Hello student, how are you? Welcome to my class. I am Annapurna Patkar, assistant teacher from Government New Primary School, Pendri, Raipur, Chhattisgarh. Student, today I am going to teach lesson 13, reference time, which is taking from class 2 English textbook. From this lesson, students will learn how to write capital and small letter. Students will also learn the naming word C, O, Q, D, B, P, R, G, J, U, S. तो students, इन letters से बनने वाले कुछ words जो हैं, जिन्हें हम naming words भी कहते हैं, आइए देखें कौन कौन से होते हैं. हमारा सबसे पहला लेटर दिया हुआ है सी. सी, सी से बनने वाला कौन सा वर्ड है? देखिए फर्स्ट वाला, चेयर. जी हाँ, इस पर आप बैठते हैं, अ चेयर. उसके बाद सेकंड वर्ड क्या है, क्या है बताइए? जी हाँ, बिल्ली. बिल्ली को क्या बोलते हैं? कैट. तो अ कैट. उसके बाद दिया हुआ है थर्ड हमारा वर्ड है कोकोनट, अ कोकोनट. फिर फोर्थ वाला है, देखा है ना आप लोगों ने सभी से, क्या बोलते हैं इसे? ऊंट. जी हाँ, ऊंट को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैमल. तो अ कैमल. इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर जो है ओ, कैपिटल एंड स्मॉल ओ. तो ओ से बनने वाला सबसे पहला वर्ड जो है, आप इसे जानते हैं, क्या है ये? ऑरेंज, एंड ऑरेंज. उसके बाद आपको एक पिक्चर में दादाजी जैसे दिखाई दे रहे हैं कुछ, है ना? हाँ, हम इन्हें बोलते हैं ओल्ड मैन, एंड ओल्ड मैन. उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताइए तो? हाँ, ये जो है दिन में सोता है और रात में जागता है. जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, उल्लू. इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आउल, ओ फॉर आउल, एंड आउल. अगला जो है पिक्चर, वो तो आप बिल्कुल पहचानते होंगे, है ना, सब्जियों में डाली जाती है, अनियन. जी हाँ, एन अनियन. नेक्स्ट लेटर हमारा है क्यू. इसमें जो है क्यू जो है हमारा कैपिटल और स्मॉल थोड़ा सा अलग होता है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करनी है. पहला वर्ड हमारा है क्वीन. क्वीन यानी होती रानी, अ क्वीन. सेकेंड वर्ड है क्यू, अ क्यू. क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन, है ना, हम एक के पीछे एक प्रेयर में लाइन बना के खड़े होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्यू. उसके बाद नीचे दिया हुआ है क्वार्टर, अ क्वार्टर यानी एक चौथाई हिस्सा. और बाकी जो अगला पिक्चर है उसे तो आप अच्छे से पहचानते होंगे, क्या है ये? क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड, अ क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट हमारा लेटर है डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. तो अब डी से बनने वाले कौन कौन से वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं? ड्रम. जी हाँ, अ ड्रम. उसके बाद वाले पिक्चर को पहचानिए तो कौन है? डॉक्टर, अ डॉक्टर. उसके बाद इसे तो आप पहचानते ही होंगे, क्या है ये? डंकी, अ डंकी. नेक्स्ट है डॉग, अ डॉग. हमारा नेक्स्ट लेटर है बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. और बी से बनने वाले तो बहुत सारे वर्ड आप लोगों को पता होंगे, है ना, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है. हाँ, पहला वर्ड हमारा है बैट. बैट जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, बी ए टी, बैट, अ बैट. नेक्स्ट क्या है? बस, अ बस. उसके बाद में क्या है? बर्ड, अ बर्ड, अ बॉय. और सबसे लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? खाने की चीज है ये, तो बनाना, अ बनाना. नेक्स्ट लेटर हमारा है पी. अच्छा, इसमें से कितनी चीजों को आप पहचानते हैं पी से? वेरी गुड, दो चीजों को तो आप बिल्कुल अच्छे से पहचानते हैं, पी से पैरट और पी से पोटैटो. इसके अलावा दो पिक्चर और है, जिसमें एक है
अ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, हमारे घर चिट्ठियाँ पहुँचाता है। और लास्ट है हमारा प्लो, जिससे किसान जो है खेतों में हल चलाते हैं, इसे हिंदी में हल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लेटर है आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। आर फॉर रैट, आप लोगों ने तो पढ़ा ही है आर फॉर रैट, तो अ रैट। और ये गर्ल क्या कर रही है बताइए, तो दौड़ रही है। दौड़ रही है मतलब रन कर रही है, तो आर फॉर क्या होता है, रन। और उसके नीचे क्या बना हुआ है, मूली। जी हाँ बिल्कुल सही, रेडिश, मूली को बोलते हैं रेडिश, तो अ रेडिश, खाते हैं इसे हम। और फिर इसमें बाद एक पिक्चर बनी है, वो है रेडियो। जब हम गाना सुनते हैं ना, तो रेडियो को से गाना सुनते हैं, तो आर फॉर रेडियो। नेक्स्ट लेटर हमारा है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी। जी से होता है गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर यानी माली, जो हमारे पेड़ पौधों को पानी देता है, हमारे गार्डन को साफ और स्वच्छ रखता है। उसके बाद एक पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या है ये, जी हाँ बकरी, इसको बोलते हैं गोट। ये है गोट, अ गोट। नीचे कुछ खाने की चीज दिखाई दे रही है, पहचानते हैं क्या आप इसे, क्या है ये, ग्रेप्स। जी हाँ ग्रेप्स। और पास में तो एक लड़की खड़ी हुई है, लड़की को हम बोलते हैं गर्ल, अ गर्ल। नेक्स्ट हमारा लेटर है जे, कैपिटल जे एंड स्मॉल जे। अब ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एक पत्ते पर कुछ तो दिख रहा है ना, क्या है ये, जोकर। जी हाँ जे फॉर जोकर। उसके बाद में नेक्स्ट है जीप, अ जीप। और उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है जग, जग से क्या करते हैं, पानी पीते हैं। फिर वो लड़की खड़ी क्या कर रही है बताइए तो, हाँ कूद रही है ना, कूद रही मतलब जंप कर रही है, हम लोग कूदते हैं ना, जंप करते हैं, तो जे फॉर क्या होता है, जंप। नेक्स्ट हमारा लेटर है यू, यू से तो सबको पता है, यू से क्या होता है, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। उसके बाद आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, वो भी यू से होता है, यू फॉर यूनिफॉर्म। उसके बाद नीचे है अर्न, नीचे जो दिया हुआ है सुराही की टाइप का है, इसको बोलते हैं एन अर्न। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है एस, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। तो ये चिड़िया तो आप सभी पहचानते हैं ना, लेकिन इसका नाम क्या है पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पैरो, अ स्पैरो। उसके बाद एस फॉर शिप, शिप यानी जहाज। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, जी हाँ बरसात के मौसम में सबके घर निकलता है अधिकतर स्नेक, एस फॉर स्नेक, स्नेक यानी होता है सांप। और अगला हमारा पिक्चर है सनफ्लावर, एस फॉर सनफ्लावर, सूरजमुखी, जो कि जो है हमें देखने को मिलता है, और सूरज के साथ ही इसका मुंह घूमते जाता है। अब इसके बाद आपके लिए है एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज है, मैच द करस्पॉन्डिंग स्मॉल और कैपिटल लेटर्स विद देयर पिक्चर्स। स्मॉल एंड कैपिटल्स कुछ लेटर वहाँ लिखे हैं, और उसके सामने में आपको कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, तो आपको इन लेटर्स से इन पिक्चर को मैच करना है। आगे चलते हैं, क्या है एक्सरसाइज वर्क। एक्सरसाइज वर्क में है रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। आपको जो पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को पहचानना है, और उसके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसमें केवल एक वर्ड सही है, उस सही वर्ड को आपको सर्कल करना है, जैसे जग, बॉय, रैट।
अब इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, इतने सारे लेटर्स आपने पढ़ लिए है ना, बी लेटर भी पढ़ा है, तो बी लेटर से एक पिक्चर बनी हुई है। होमवर्क क्या है आपके लिए, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम ऑन योर कॉपी। इस पिक्चर को आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और सुंदर सुंदर रंगों से रंग भरना है और इसका नाम भी लिखना है। बताइए तो क्या है इसका नाम, बटरफ्लाई। जी हाँ, ओके, थैंक यू।